हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मौलिपिका और मोर हरल जीवन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक हेल्दी मूंग दाल रेसिपी लेके आई हूँ। ये बनाना बहुत ही इजी होता है और झटपट बनके तैयार भी हो जाती है। तो चलिए, इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आपके घर में जो भी अवेलेबल वेजिटेबल है सब कुछ यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल ली है और एक टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ली है और थोड़ी सी मूंग दाल, भीगी हुई मूंग दाल की दाने ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। मूंग दाल बनाने के लिए मैंने पहले कुकर में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दी है। यहाँ पर मैं जीरे की दाने भी डाल रही हूँ, वो जब भी चटक गए हैं तो मैं अदरक लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ। साथ ही साथ सारी वेजिटेबल को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं टोस्ट कर लूँगी। इसे पकाना नहीं है, लेकिन इसके साथ जो अदरक लहसुन और थोड़ी सी पिंक सॉल्ट डाल के मैं यहाँ पर थोड़ा सा टोस्ट कर रही हूँ। इसी तरह से थोड़ी देर टोस्ट करने के बाद, पकाना नहीं है, इसकी फ्लेवर इस पर आनी चाहिए। तो उसके बाद मैं मूंग दाल को यहाँ पर डाल रही हूँ। देखिए, थोड़ी देर मूंग दाल को पकाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ स्पाइसी ऐड कर रही हूँ। ये घर में बनने वाली स्पाइसी है, मैंने घर में बनाया है, यानी कि जीरे पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक। ये देखिए, इसी तरह से बनाने के बाद थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और 2 सीटी आने तक मैं इसे बंद करके रख दूँगी। 2 सीटी आने के बाद जब प्रेशर कुकर की प्रेशर चला जाएगा तो ढक्कन खोल के देखेंगे। देखिए, मेरा दाल कितनी अच्छी तरह से पक के रेडी हो चुका है। अभी मैं इसे सर्व करके आप लोगों के सामने दिखाऊंगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।